हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। साथ में कंपनी की ओर से 54 पैसे पर इक्विटी शेयर का एक फोर्थ इंटरिम डिविडेंड, मतलब कि कंपनी इस फिनांशियल में 3 इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। ये फोर्थ इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर दिया है और रिकॉर्डेड 15 फरवरी 2024 रखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे और नंबर्स है लैक्स में। इनकम 261.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 242.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 471.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर की इनकम अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ इस बार का 149 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 159 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 346 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम इंक्रीज और एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, इसके कारण प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में डाउन हुआ इनकम के अकॉर्डिंग, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 123.6 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 82.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 126.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो 86.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 90.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 2.23 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो ईपीसी, रियल इस्टेट, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, जो कि रेवेन्यू एवरेज है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है। उसी तरह प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है, इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया है। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें तो इनकम है 124 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 123.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 238.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, माइनस है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस हुआ है कंपनी का 95.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 177.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम माइनर से इंक्रीज, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, उसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 59.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर 61.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर की भी प्रॉफिट में डाउन है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया था। नेट प्रॉफिट 20.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 44.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 46.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 0.56 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना तो एवरेज है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड में ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है, बट स्टैंडअलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में तो इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।